हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं लेके आई हूँ झटपट से बनने वाली बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी आप इसे शाम के चाय के साथ या फिर हल्की फुल्की भूख में खा सकते हैं तो यहाँ पे हमने एक कप सूजी ले लिया है तो आप कोई भी सूजी ले सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें पानी डालेंगे तो हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं तो एक कप सूजी में आधा कप पानी डालें और इसे मिक्स कर लें अच्छे से तो इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे इसे ढक के दस मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सूजी फूल जाए अच्छे से तो देख सकते हैं दस मिनट के बाद सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है तो इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे तो यहाँ पे हमने एक बारी कटा हुआ प्याज लिया है अब हम इसमें दो उबले हुए आलू जिसे हमने ग्रेट कर लिया है वो डालेंगे एक ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो इसे हम मिक्स कर लेते हैं तो इसे हल्का सा बस मिक्स करना है तो देख सकते हैं हमने इसे हल्का सा मिक्स कर लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे अब हम इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में हम थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब्जियां और मसाले जो है ना बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे हाथों से मिक्स कर दे तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और हम इसमें टिक्की का सेब देते हुए नाश्ता को तैयार करेंगे तो इसमें हम टिक्की का सेब दे देते हैं तो देख सकते हैं हमारा पहला नाश्ता बनके तैयार है तो इस नाश्ते को हमें प्लेट में नहीं रखना है इसे डायरेक्ट हमें फ्राई करना है तो यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए तो अब हम क्या करेंगे नाश्ता बनाते जाएंगे और डायरेक्ट हम तेल में डालते जाएंगे क्योंकि प्लेट में रखने के बाद ये चिपक जाएगा और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेंगे तो ये एक साइड से फ्राई हो गया है तो इसे हमने पलट दिया है तो इसी तरह से हमें एक से दो बार इसे पलट पलट के मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक तो देख सकते हैं नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे तो इसे प्लेट में निकाल लीजिए तो देख सकते हैं हमने सारे नाश्ते को प्लेट में निकाल लिया बचे हुए नाश्ते को हमें ऐसे फ्राई कर लेना है तो गर्मा गर्म नाश्ता बन के तैयार है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ये खाने में अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हुए नई रेसिपी के साथ